हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। तो ये सामने आप देख रहे हो किया कैरेंस का सेकंड बेस मॉडल प्रेस्टीज, जो जस्ट आपको प्रीमियम के ऊपर वाला मिल जाता है। भाई कमाल का और मस्त फीचर लोडेड वेरिएंट है ये। एकदम डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, ए टू जेड, क्या कंफर्ट है, क्या स्पेस है, सभी कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ये 7 सीटर वेरियंट है यहाँ पर जो खड़ा है प्रेस्टीज का। अब इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 11,99,000 इसकी एक शोरूम कॉस्ट आती है, और वहीं पे 14,25,000 इसकी ऑन रोड प्राइस आती है। गाड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 4540 mm इसकी लेंथ है, जो कि अल्काज़ार से ज़्यादा है। गाड़ी की विड्थ की बात करूँ तो 1800 mm इसकी यहाँ पे विड्थ आ जाती है, अगेन वो भी अल्काज़ार से ज़्यादा है। इसकी हाइट भी अल्काज़ार से ज़्यादा है और इसका व्हील बेस भी अल्काज़ार से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्पेस और कंफर्ट है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हो तो इस गाड़ी में पहले तो यहाँ पे पूरी ब्लैक पियानो फिनिश की ट्रीटमेंट दे दी, आपकी हेडलैम्प और जो आपकी ग्रिल आ जाती है वो वाली पार्ट। ये टॉप मॉडल और बेस मॉडल में भी सेम है, हालाँकि इसमें DRLs नहीं आती, वो इसके ऊपर वाले वेरियंट प्रेस्टीज प्लस में आपको DRLs मिल जाती हैं। बात करूँ हेडलाइट की तो यहाँ पे पार्किंग बल्ब है और यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प दिया जा रहा है, इसमें हाई बीम लो बीम दोनों। ये टर्न इंडिकेटर्स अगेन आपको हैलोजन में मिल जाते हैं। ये जो वेरिएंट है प्रेस्टीज, इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। सिर्फ बेस मॉडल में किया कैरेंस में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, बाकी सभी वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं। ऑल्सो कमाल की बात भाई, इस गाड़ी में किया कैरेंस में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो एक नंबर हैं। चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है, 6 एयरबैग्स आपको सभी वेरिएंट्स में ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत सही चीज़ है। टाइगर नोज ग्रिल क्या होता है, सेल्टॉस और आपको कार्निवल हो गई, सोनेट हो गई, वहाँ यहाँ पर मिलता है, बट इस गाड़ी में आपको नीचे टाइगर नोज ग्रिल दिया जा रहा है और यहाँ पर हनीकॉम जो मैश पैटर्न आपको मिल जाता है वो अलग। फ्रेमिंग जो है टाइगर नोज ग्रिल की वो सिल्वर ट्रीटमेंट में है, जो काफ़ी कमाल की दिखती है। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भाई बहुत सही काम करते हैं। मैं अभी टेरेस पे ही हूँ, छांव ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे अगर आप देख रहे हो थोड़ा छांव है, वहाँ लगाई थी तो बहुत बजने की आवाज़ आ रही थी, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा छांव है इसीलिए मैं यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ। और ये वाला जो वेरियंट खड़ा है ये भी अगेन सेम वेरियंट है प्रेस्टीज, बट वो ग्रे कलर में है। गाड़ी को साइड प्रोफाइल से अगर आप देखे हो तो भाई यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इस गाड़ी में 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलता है किया कैरेंस में। देन टायर साइज़ की बात करें तो अब प्रेस्टीज वेरिएंट में स्टील रिम्स आते हैं, इसके ऊपर प्रेस्टीज प्लस जो आता है उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो आपको 205 सेक्शन 65 R16 inch के व्हील यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, जो कि सिल्वर व्हील कैप में आते हैं। ORVMs की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, बट आपको इनको फोल्ड हाथ से ही करने पड़ेंगे, और इन पे LED टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ए पिलर बी पिलर आपको मैट ब्लैक में मिल जाता है, ऊपर आपको सिल्वर ट्रीटमेंट में रूफ रेल्स मिल जाती है, इसमें कोई सनरूफ नहीं आता इस वेरियंट में। उसके बाद आपके डोर हैंडल्स बॉडी कलर में ही दिए हैं, ये तो एक्सेसरी लगी पड़ी, आज गाड़ी की डिलीवरी होनी है इसकी भी और सेम उस वेरियंट की भी। अगेन यहाँ पे आप देखते हो वही आपको 16 इंच का व्हील, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस वाले वेरिएंट में आपको पीछे से जैसे ही आप गाड़ी को देखोगे तो इस वाले वेरिएंट में आपको हैलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं, इसके ऊपर से आपका प्रेस्टीज प्लस में LED टेल लैंप्स की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर हैलोजन टेल लैम्प आपको मिल जाते हैं, जो कि स्टार मैप काइंड है और ये अच्छे लग रहे हैं देखने में। हैलोजन में आपकी रिवर्स लाइट और आपके टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, इतनी ही लाइट है। ये पूरा पार्ट किया सोनेट की तरह एज अ रिफ्लेक्टर ही काम करेगा, वो लाइट नहीं है, बट स्टिल यार लोग उसको आफ्टर मार्केट करा ही लेंगे, उसका भी तोड़ आ जाता है। किया की ब्रांडिंग अब देखो, सिल्वर कलर में यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस पार्ट को, लोगों को, तो ये सिल्वर गाड़ी पे इतना विजिबल नहीं है। कोई डार्क कलर हो जैसे वो, या मरून कलर की हो जो आ जाती है, तो उसमें आपको ये किया का लोगो दिखता भी है, दूर से ये किया का लोगो आपको दिखने से रहा। TGDI ये 1.4 है तो उसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे कैरेंस की ब्रांडिंग है, अगेन नीचे 4 पार्किंग सेंसर्स है, और ये जो आपको ब्रश एल्यूमिनियम का फिनिश आ रहा है ना भाई, एक नंबर है। यहाँ पे रिवर्स स्टोइंग हुक इसका जस्ट ऊपर मिल जाता है। सो आगे 4 पार्किंग सेंसर्स, पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स, सेफ्टी में 6 एयरबैग्स एंड चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक, भाई क्या चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें फ्यूल टैंक, जिसमें आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में आपको ऑफर की जाती है। ये साइड से गाड़ी आपको पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर, हालांकि इस गाड़ी में मिल ही नहीं रहा है,
बट यार देखो कितनी लंबी गाड़ी है, अंदर से देखेंगे क्या कंफर्ट है इस गाड़ी में और क्या नहीं। अब बात करते हैं इस गाड़ी में जो आपको इंजन एंड ट्रांसमिशन दिया जा रहा है। ये देखो, अगर मैं दूर से आपको ये लोगो दिखाऊँ ना, ये विजिबल ही नहीं होता है इस कलर पे स्पेसिफिकली, वो डार्क कलर पे ही विजिबल होगा। सो भाई बहुत भारी है ये। सो पहली बात तो इंसुलेशन आपको मिलती नहीं, ओके, यहाँ पे सब कुछ एक्सपोज्ड है। यहाँ पे आपको वही 1.4 टर्बो GDI पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है जो 138 BHP और 242 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको देगा। ये माइलेज अराउंड 16 KMPL का ARAI क्लेम्ड माइलेज आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है और काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, बोरी आपकी ABS यूनिट एंड यस। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो ये था पूरा एक्सटीरियर किया कैरेंस के प्रेस्टीज वेरिएंट का। भाई देखो, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो कैरेंस या किया की कोई भी गाड़ी, प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लो, शिवाय किया के नंबर्स हैं। अब बेनिफिट ये हो जाता है अगर आप मुंबई के अंदर से हो और आपको कोई दूसरे डीलर पे ज़्यादा वेटिंग पीरियड आ रही है गाड़ी की, एक बार यहाँ कांटेक्ट कर लो। फेस्टिव सीज़न वीडियो बाद में कोई फेस्टिवल सीज़न के आसपास देख रहे हो तो कोई भी ऑफर्स या बेनिफिट्स अगर इनके पास एप्लीकेबल होते हैं तो भाई कॉल कर लो। वेटिंग पीरियड, बुकिंग, टेस्ट ड्राइव, जो भी रिगार्डिंग आपको जानना है आप जान सकते हो सीधा कॉल करके। अब चलते हैं अंदर और चेकआउट करते हैं क्या फीचर्स हमें अंदर मिल रहे हैं, बिकॉज अंदर से ये गाड़ी काफ़ी फीचर लोडेड है। बट उससे पहले भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया, कैसे भूल गया क्या पता। तो यहाँ पे बूट स्पेस, यस बूट स्पेस को चेकआउट करते हैं। तो 216 लीटर का बूट स्पेस आपको किया की कैरेंस में यहाँ पे मिलता है। 7-सीटर ऑप्शन आप देख पा रहे हो, लास्ट वाली जो रो है 50-50 स्प्लिट है, ये वाली आपको मिल जाती है अगेन 40-40-20 का आपको यहाँ पे स्प्लिट मिल जाता है। एंड जो आपको वहाँ पे दो ड्राइवर एंड को ड्राइवर मिल रहा है, उसके अलावा मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो आप इन सीट्स को सबसे आगे इतना रिक्लाइन रख सकते हो और सबसे पीछे इतना, तो डिफरेंस देख रहे हो आप, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बैठ सकते हो। 216 लीटर का स्पेस है, अच्छा बूट स्पेस है अगर आप देखते हो इसकी सेगमेंट में 7-सीटर होने के बावजूद। यहीं पे वो लेंथ और व्हील बेस काम आता है। यहाँ पे आपको एक लगेज लैंप, यहाँ पे आपको ग्रॉसरी हुक मिल जाएगा एंड ये नीचे आपको मिल जाते हैं क्लिप्स जहाँ पे आप अपना सामान टाई अप करके रख सकते हो। ऑल्सो इन सीट्स को आप गिरा दो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है अराउंड 625 लीटर का बूट स्पेस अगर आप देखते हो, पड़ा है और ये ऑल पूरा फ्लैट ही है तो सामान आप यहाँ रख सकते हो। और अगर आपको सामान की हाइट अच्छी चाहिए, मतलब ज़्यादा डीप स्टोरेज वाइज, तो आप ये वाली ट्रे को निकाल के घर पे रख लो, कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे आपकी टूल किट आ जाती है और यहाँ पे आपका स्पेयर टायर जो है इसको निकाल के आपको नट लूज़ करना पड़ता है, तो आपका स्पेयर टायर ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे भाई बूट स्पेस, जो कि अच्छा है, उसमें तो ये कोई इशू नहीं है। ऑल्सो ग्रॉसरी हुक आपको यहाँ भी मिल रहा है जो कि 3 किलो का आप यहाँ पे टांग सकते हो, इवन यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस फीचर्स सारे हैं, कुछ ऐसे सीधे में ऐसे आएगा तो आप उसको कोई भी एंगल पर लॉक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि दो एंगल दिए हैं, कहीं भी इसको लॉक कर लो आप, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी चलते हैं और चेकआउट करते हैं भाई इसका इंटीरियर। सो इंटीरियर में यहाँ पे डोर ट्रिम पे इस वेरिएंट में हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ब्लैक और बेज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है आपको इस वेरिएंट में। ये हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक, बट डिज़ाइन वो का वही है जो आपको टॉप मॉडल में मिल रहा है और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। सिल्वर ट्रीटमेंट की यहाँ पे फिनिश मिल जाती है डोर ट्रिम पे एंड इंटीरियर डोर हैंडल भी सिल्वर आपको मिलता है। यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक बटन, यहाँ पे वन टच डाउन और वन टच अप मिलता है ड्राइवर साइड पे, बाकी सारी आपकी जो इलेक्ट्रिक विंडोज़ हैं। और बहुत ही अच्छा इनके मैकेनिज्म, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है बटन की, एकदम प्रीमियम फील होती है जो Hyundai मोटर ग्रुप देता है अपनी Hyundai की गाड़ी में या किया की गाड़ियों में, पूरा वही प्रीमियम आपको एक नेक्स्ट लेवल पर मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर सिस्टम है, यहाँ ट्विटर्स हैं, तो गाड़ी में 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर आ रहे हैं, तो 6 स्पीकर सिस्टम का सेटअप है। यहाँ पे आपको 3 कप होल्डर मिल जाते हैं भाई, यहाँ एक अम्ब्रेला स्टोरेज भी मिल रहा है, तो ऐसा कुछ है। इंटीरियर से बहुत ही लाजवाब दिखती है गाड़ी। बात करें सीट की तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिल रही है यहाँ पे, ये कुछ कुशन्स हैं किया की तरफ से। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर आप देखते हो इसके जस्ट ये ऊपर वाला, ओके,
ये लेदरेट है, हालांकि ये लेदर में है और यहाँ साइड में थोड़ा लेदरेट आपको मिल जाता है। सो पार्शल है, लेदर प्लस फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ड्राइवर वाली सीट भाई वही 8-way मैनुअली एडजस्टेबल है, बिकॉज ये हाइट एडजस्टेबल भी है। को ड्राइवर 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है। ये वाली जो रो है ये भी 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है, और लास्ट वाली जो रो है वो 4-way मैनुअली एडजस्टेबल है। इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसकी चाबी ही दिखा देता हूँ। तो यस, ऐसी कुछ कीज़ हैं जो आपने सेल्टॉस के लोअर मॉडल्स में भी देखी होगी। लॉक अनलॉक और आपका टेल गेट रिलीज़ करने का बटन फ्लिप की है। कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके अलावा मैं गाड़ी चालू करके ही दिखा देता हूँ। गर्मी बहुत हो गई भाई, धूप कहाँ से कहाँ आ गई। एंड स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो फ्लैट बॉटम या आपको डी कट तो नहीं मिलता इसमें। यहाँ पे आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको MID से जुड़े हुए कंट्रोल्स मिलते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है स्टेयरिंग व्हील पे, सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे। हॉर्न कुछ ऐसा है, बहुत प्यारा भाई, एक नंबर हॉर्न। यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं आपके, और ये साइड पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प इस वेरियंट में आपको दिए जा रहे हैं, प्लस आपके टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स। नीचे की तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है आपका, और हेडलाइट लेवलर आ गया। यहाँ पे AC वेंट्स अगर आप देखते हो कुछ ऐसा सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे एंड ऊपर भी यहाँ दिया है। हर पूरे पैनल पे अगर आप देखते हो वो चीज़ सिल्वर ट्रीटमेंट, यहाँ सिल्वर, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और डैशबोर्ड लेआउट पूरा ब्लैक कलर में है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है इसमें। एंड यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये ओनली रेक के लिए एडजस्टेबल है, रीच के लिए एडजस्टेबल नहीं है ये। यहाँ पे बात करते हैं भाई, देखो इस मॉडल में जो आपका सेकंड बेस मॉडल है इसमें आपको मिल रहा है भाई यहाँ पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर मैं इसको बंद करके आपको दिखाऊं, अभी रिफ्लेक्शन बहुत आ रही है, तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको, तो डिजिटल आपका स्पीडोमीटर वहाँ पे, टैकोमीटर यहाँ पे, सारी आपकी ये टेम्परेचर यहाँ के, ऑडोमीटर रीडिंग ऊपर आपका किलोमीटर आएगा ट्रिप के हिसाब से। देन आपका वहाँ पे फ्यूल गेज है, यहाँ टेम्परेचर गेज है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें दिया जा रहा है, एक्यूमुलेटेड इन्फो मिल जाएगी, ड्राइवर्स इन्फॉर्मेशन, सेंस रिफ्यूलिंग आपको यहाँ दिखाएगा, और क्या मिल जाता है इसमें। यूज़र सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो ड्राइवर्स असिस्टेंस में आपको यहाँ पे वार्निंग वॉल्यूम और पार्किंग सेफ्टी से रिलेटेड मिल जाता है। उसके अलावा क्लस्टर में आपको क्या मिलता है, तो क्लस्टर थीम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आप थीम भी अगर मैं चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे रेड हो जाता है। अब ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपको यहाँ पे ना ड्राइव मोड दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे थीम भी में आपको स्पोर्ट मोड आ गया, और यहाँ पे आपका नॉर्मल मोड आ गया जो कि एक्वा कलर का काइंड ऑफ है, और ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे, पहले तो आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पे बैक जाते हैं, यहाँ पे वाइपर लाइट डिस्प्ले है कि अगर आप लाइट यहाँ पे ऑन करेंगे, ये देखिए ऑन करेंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, तो उसको आप ऑफ कर सकते हो उस चीज़ से। देन यहाँ पे IC रोड वार्निंग आपको आ जाएगी, वॉल्यूम साउंड, ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही है। लाइट्स में भी आपको इल्यूमिनेशन, वन टच टर्न, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और क्या है, डोर्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ऑटो लॉक एंड ऑटो अनलॉक आपको यहाँ पे देख सकते हो। सो ऑटो लॉक में आपको एनेबल ऑन स्पीड आ जाएगा, एंड ऑटो अनलॉक में आपको ऑन की आउट, ऑटो अनलॉक, ये चीज़ें, तो आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हो यहाँ पे। कन्वीनियंस में आपको यहाँ पे सर्विस इंटरवल मिल जाएगा, एंड यूनिट में अगर आप जाते हो टेम्परेचर यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, तो कौन सी यूनिट में आपको करना है तो उस हिसाब से है, आई गेस वही होगा अगर मैं दिखाऊं। यस, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। रीसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, रीसेट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट वैसे करना है आपको तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके अलावा बैक जाते हो और कुछ नहीं है। यस, ये सारे फीचर्स आपको इसके इस MID में मिल रहा है भाई, लोडेड है यार इस वेरिएंट में। प्रेस्टीज और इस प्राइसिंग के हिसाब से फुली डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो तो बहुत सही है। उसके अलावा भाई यहाँ पे आपको छोटा साइज का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम मिल रहा है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, देन आपको ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, USB कंपैटिबिलिटी आपको मिलेगी, एंड इसमें टच रिस्पॉन्स एक नंबर, वही लाजवाब है भाई, बहुत से फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। प्लस स्पीकर सिस्टम, उनमें आवाज़ कैसी आती है, मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है क्या फीचर्स हैं इसमें, प्लस उनमें कैसी आवाज़ आ रही है, क्वालिटी कैसी है। मैंने बोस का म्यूज़िक सिस्टम टॉप मॉडल का किया था, लग्जरी प्लस, बट इसकी आकमेज के स्पीकर्स इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, और वो कैसे हैं
आख में इसके स्पीकर्स जो कंपनी दिए हैं तो वो कैसे हैं वो आप वीडियो देख लो प्लीज़, नीचे ही लिंक मिल जाएगी भाई। उसके अलावा तो देखो आप पूरा यहाँ पे देखोगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसलिए वहाँ बनाया। इंजन इमोबिलाइजर सेंसर लाइट यहाँ पर मिल जाएगी आपको, नीचे की तरफ आपको मैनुअल एसी मिलता है, इसमें कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, बट वही बटन वाला दिया है जो मैंने पहली बार टाटा पंच में ही देखा था ये चीज़ को। तो यहाँ से बंद कर दो, लाइट आएगी अपने आप जो भी जिस हिसाब से, ये देख पा रहे हो आप, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे नॉब्स आ गए आपके, इनकी भी क्वालिटी अच्छी है, हैजर्ड लाइट बीच में आ गई। नीचे की तरफ आपके पार्किंग सेंसर्स अगर आपको बंद करने हैं या चालू करने हैं वो वाला स्विच, देन यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल है, इसमें आपको नहीं मिलते वो चीज़ क्या बोलते हैं वेंटिलेटेड सीट्स, बट यहाँ पे कुछ ऐसे डमी बटन्स दे रखे हैं। देन अगर आप उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, यहाँ पे 12V का सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पे सी पोर्ट आपको मिल जाता है, उसी के जस्ट नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा, अच्छा खासा सामान रख सकते हो, फ़ोन हो गया, वॉलेट या कुछ भी हैंडी चीज़ें। गियर नॉब की बात करते हैं, यार ये कितना फीका और सिंपल लग रहा है, मतलब सब कुछ एकदम प्रीमियम प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है। और इसको देखो आप, तो फुल ब्लैक में दिया है, कुछ ऐसा ग्लास फिनिश ऊपर देते तो वो भी मोर देन इनफ होता, बट नीचे एल्यूमिनियम फिनिश दी है, यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री दी है, ऐसा कुछ है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक पियानो फिनिश की फ्रेम है, 2 कप होल्डर्स यहाँ मिल जाएंगे, इसकी हैंडब्रेक की जो टिप है अगेन ब्लैक में है। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लेदर फिनिश में है, और इसके नीचे ट्रे टेबल है जिसमें आप अपनी कुछ भी चीज़ें रख सकते हो, और नीचे सामान डीप है, अच्छा खासा डीप है यार स्टोरेज, उसके रिगार्डिंग तो कोई ये दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें, अच्छा खासा बड़ा ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। ऑल्सो ये एक आपको साइन सा दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला, तो आप यहाँ पे अपना वो एयर प्योरीफायर वाला वो चीज़ यहाँ पर लगा सकते हो, इसमें आप लगा सकते हो, ये जो दिया है तो इसी का लोगो यहाँ पे बना के दिया है। यहाँ पर आपको एक ग्लास होल्डर मिल जाता है या बॉटल होल्डर आप बोल सकते हो। देन उसके बाद ये साइड का तो मैं बता ही चुका हूँ, पीछे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं सो आपको टिकट होल्डर यहाँ मिल जाएगा, इधर भाई मिल रहा है आपको वैनिटी मिरर, कैबिन लाइट्स कन्वेंशनल है रेगुलर येलो में, देन यहाँ पे आपको सनशेड होल्डर, उसके अंदर कुशनिंग अच्छी गियर कर रखी है, डे एंड नाइट IRVM यहाँ पे मिल जाता है। सो लोडेड है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, कन्वीनियंस अच्छा है, सारे फीचर्स बहुत ही कमाल के, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, सब बढ़िया एकदम इस प्राइसिंग में, एंड हर एक बटन रीच में है, एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं, बॉनेट अगर आप देखते हो विजिबल है, ड्राइविंग रिगार्डिंग कोई आपको इशू नहीं आने वाला। सो ये था फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग। अब ये जो ड्राइवर वाली सीट है मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर हम चेकआउट करते हैं कि पीछे कितना नी रूम। ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, अब पीछे नी रूम देखते हैं, लेग रूम देखते हैं, और फिर लास्ट रो को भी चेकआउट कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो वही सेम डोर ट्रिम का यहाँ पे है, कुछ भी आपको कॉस्ट कटिंग यहाँ नहीं की, हार्ड प्लास्टिक सिल्वर ट्रीटमेंट, सिल्वर इंटीरियर डोर हैंडल, यहाँ पे आपके कंट्रोल्स आ गए, ये स्पीकर सिस्टम, 2 कप बॉटल स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रख सकते हो आप अच्छा खासा यहाँ पे, पर वो थोड़ा ऐसे आड़ा रहेगा पर ठीक है आ जाएगा। इनकी बात करते हैं तो ये रिक्लाइन हो जाती हैं, प्लस ये स्लाइड भी होती हैं ये वाली रो, एंड इनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, आर्मरेस्ट भी आपको मिलता है, बट उसके लिए यार फिर ऐसा है कि अगर 2 जन बैठे हैं पीछे, तीसरा ना बैठा हो तो ही आर्मरेस्ट होगा, नहीं तो वो चीज़ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में। और ये 1 टच आपका टंबल है, इसमें टंबल हो जाती है, तो ये देख सकते हो आप, इवन वो साइड वाला शायद उधर बटन है कि नहीं मैं देखता हूँ। 6-सीटर लेआउट में तो वो चीज़ दी है जो आपका, हाँ इधर दिया है ये वाला पार्ट, इसको दबाओगे तो ये टंबल हो जाएगी इस बटन से, क्योंकि नीचे हाइड्रोलिक दिए हैं, बट चलती गाड़ी में ये नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 3 किलोमीटर यानी कि 3 के नीचे है, 3 किलोमीटर पर आवर के नीचे, तो ही वो टंबल होगी। अगर मैं करके दिखाऊं, ये देखिए पूरी टंबल हो गई, क्यों? क्योंकि नीचे हाइड्रोलिक दिए हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो पीछे की तरफ वो वाली सीट में। अभी देखते हैं, मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सीट एडजस्ट की थी, तो इसको नीचे कर लेते हैं। ये देखिए इसमें कप होल्डर हैं, आर्मरेस्ट है आपको मिल रहा है। अब बैठते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस सीट को, ये जो सेकेंड रो वाली सीट है, इसको अगर मैं पूरा पीछे ले लूँ, यस ये पूरी पीछे आ गई,
तो देखिए कितना सारा नी रूम है भाई। लेग रूम अच्छा है, पैर स्ट्रेच आउट कर सकता हूँ, सीट की हाइट अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है हमको एक सीट स्टोरेज, यहाँ पर भी मिल रहा है, ऊपर एक मोबाइल पॉकेट मिल रही है, यहाँ पे आपका ब्लोइंग के लिए ये हो गया, एसी के लिए जो आप फैन स्पीड के सेट कर सकते हो, ऊपर आपको वेंट्स दे रखे हैं, कन्वेंशनल लाइट आपको पीछे भी दी है, यहाँ पे रिट्रैक्टेबल हैंडल बार है कोट हुक के साथ, वो साइड पे कोट हुक नहीं मिलता। उसके अलावा इस वाली सीट को अगर मैं पूरा आगे ले लूँ तो ये देखो पूरा आगे लेके भी कितना नी रूम बचेगा। अब सोचो 5'8" का बंदा गाड़ी चला रहा है, पीछे मैं आराम से मैं बैठा हूँ, इतना नी रूम है, सफिशेंट है, लेग रूम भी अच्छा है, देन इवन बीच वाले पैसेंजर को अच्छा लेग रूम और नी रूम आएगा, क्योंकि इसका जो ये है ऑलमोस्ट फ्लैट है, उसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आएगा। अगर मुझे आर्मरेस्ट चाहिए यहाँ पे तो मुझे इस लेवर को खींचना पड़ेगा, यहाँ पे एक हाथ से तो नहीं होगा, मैं एक मिनट करके दे, यस ये आ गया आपका आर्मरेस्ट, इस स्ट्रैप को आपको खींचना पड़ता है तब वो नीचे आता है। तो यहाँ पे 2 cup स्टोरेज, अब देखो यहाँ पे 2 बैठे हैं उस हिसाब से आपको इधर आर्मरेस्ट मिलेगा, नहीं तो तीसरा बंदा बैठ पाएगा बीच में तो वो मिलने से रहा। तो 2 cup होल्डर्स यहाँ पे हैं, आपको वापस पीछे डाल देते हैं इसको। तो बीच वाले पैसेंजर का अगर मैं बैठ के दिखाऊँ आपको, एक मिनट, ये देखिए ये वाली सीट को नीचे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कंफर्ट आएगा, लेग स्पेस आप देखो, नी रूम तो अच्छा है ही, आप हिसाब से अगर देखते हो 3 लोग कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं। देखो 1800 mm की जो विड्थ था ना भाई, यहाँ पे काम आती है, कितना अच्छा यहाँ पे आपको नी रूम, लेग रूम और 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, शोल्डर रूम में इतनी तकलीफ नहीं आएगी। हेड रूम तो भाई 1 नंबर का है इस गाड़ी में, हेड रूम तो बहुत सही है। तो ये हो गया अपना मिडिल रो का, ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लेआउट है। अब लास्ट रो को चेकआउट करते हैं। अच्छा हुआ मैंने डोर ओपन रखे हैं, गाड़ी इतनी गर्म नहीं हो रही। यस ये आ गई अपनी सीट। अब मैंने उस वाली जो सीट को है पूरा आगे स्लाइड किया था, फिर अपन पीछे लास्ट रो में नी रूम चेक करते हैं। सो 5'8" की हाइट का बंदा गाड़ी चला रहा है, सेम हाइट का बंदा अगर पीछे बैठे तो लास्ट में अगर फिर से सेम बैठे कोई तो कितना नी रूम बचेगा। अच्छा हुआ फ्लोर लैमिनेशन इस गाड़ी में होके रखी है। तो ये देखो भाई, भाई है ना 1 नंबर चीज़, 7-सीटर सेगमेंट में क्या कंफर्टेबल और क्या पैकेज, वेल पैकेज्ड कार निकाली है, कि मतलब 6 feet का भी अगर बंदा गाड़ी चलाए ना तो भी इतना कोई इशू नहीं आएगा। इवन हेडरूम की बात कर रहा हूँ, इतनी कोई दिक्कत यहाँ पे आने नहीं वाली आपको, बहुत ऊपर है हेडरूम, तो लास्ट में भी कुछ सर्वर टकराने का चिंता आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेग रूम अच्छा है, नी रूम अच्छा है, यहाँ पे आपको एक सी पोर्ट मिल जाता है और ये साइड पे भी सी पोर्ट मिल रहा है, ये ग्रैब पॉइंट है अंदर बाहर करने के लिए, मैं वो पकड़ के भी आ सकता था ये वाली पार्ट को। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक बॉटल स्टोरेज और यहाँ मोबाइल पॉकेट दिया है, चार्ज हो रहा होगा तो यहाँ रख लो। बड़ा क्वार्टर क्लास है, क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको कैबिन में इतना फील नहीं होगा। 3-point सीट बेल्ट यहाँ भी मिल रही हैं, सेम सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड ये रहा आपका सीट बेल्ट। तो भाई बहुत सही है, पता है कंफर्ट, अब इतने सही प्राइसिंग में आपको ये 7-सीटर प्रीमियम 7-सीटर आ रही है। अगर आप अल्काज़ार से कंपेयर करोगे, देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है इस प्राइस में जो ये वेल पैकेज कार निकाली है, अल्काज़ार से कंपेयर करोगे ना तो इसका जो लग्जरी प्लस आता है कैरेंस का टॉप मॉडल, उस प्राइस में अल्काज़ार का बेस मॉडल आता है। हालांकि अल्काज़ार का बेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड है, बट ठीक है ना यार, इस प्राइस में ये ऑप्शन मिल रहा है और इतना सही, आपको बूट स्पेस सबसे ज़्यादा, ऊपर से स्पेस मैनेजमेंट 1 नंबर, उसमें कोई आपको मतलब दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सही भाई, बहुत सही निकाला है। आप बोल सकते हो इसका जो राइवल है डायरेक्ट आपका XL6 हो गया, देन अर्टिगा जैसी गाड़ियाँ हो गई, तो ये किया कैरेंस का प्रेस्टीज वेरिएंट है, जो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको इस गाड़ी में ऑफर किए जा रहे हैं। तो भाई कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। गाड़ी दिखती तो मस्त है, अपीयरेंस भी काफ़ी कमाल का है, रोड प्रेजेंस 1 नंबर आएगी। सो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, कुछ भी सवाल होते हैं वहाँ पूछ सकते हो आप। तो ये था पूरा डिटेल इन एंड आउट,
म्यूजिक वीडियो जरूर चेकआउट करो इस गाड़ी का, पूरा डिटेल में मैंने वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है, फीचर्स और आपका कैसी क्वालिटी है। सो भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को। मेहनत देख रहे हो, धूप में यार भयंकर धूप हो रखी है, कुछ 35 डिग्री के आसपास है। सो गाइज टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।